नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू है और पितृपक्ष चल रहा है। इसमें नवरात्रि में जो है टिकट बंटवारा भी हो जाएगा और किसको कितनी सीट है वो भी सब सामने आ जाएगी। लेकिन इस बीच खबर ये है मराठा आरक्षण के बारे में, यानी कि मनोज जरांगे का जो रोल है लोकसभा में काफ़ी बड़े पैमाने देखा जाए। हालांकि उस समय उनका उपोषण खत्म हो गया था, उन्होंने उपोषण पीछे हटा लिया था, लेकिन उसका असर जो है लोकसभा में खूब देखने को मिला। अब लेकिन विधानसभा के चुनाव की तैयारी के बीच भी जो है मनोज जरांगे की खबर जो है लगातार बनती जा रही है। मनोज जरांगे जी फिर से उपोषण में बैठने जा रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, और उन्होंने सीधा धमकी दी है कि मराठा अगर आरक्षण को न्याय नहीं मिला तो इसका असर विधानसभा में देखने को मिलेगा। आज का हमारा चर्चा का विषय यही है मनोज जरांगे का। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोज जरांगे का रोल किस तरफ होगा, कैसे होगा, क्या सरकार के खिलाफ होगा, या क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ होगा, क्या उपमुख्यमंत्री के खिलाफ होगा, या पर्टिकुलर किसी के चेहरे के खिलाफ होगा, ये विषय है। सर, क्या कहेंगे आप? जो मनोज जरांगे का अगर हम नहीं नाम ले तो महाराष्ट्र का इस समय राजनीति ही अधूरा रह जाता है, ऐसा लगता है। सच है सर। कैसे है ना कि मनोज जरांगे छठी बार आमरण उपोषण कर रहे हैं। छठवीं बार जी। और अन्ना हजारे का इसके पहले का रिकॉर्ड है, उन्होंने 50 बार आमरण उपोषण किया था। मगर वो मरे नहीं कभी उसमें आमरण उपोषण। क्या आमरण उपोषण सर ऐसा प्रतीकात्मक होता है जी। वो पानी में इलेक्ट्रॉल वगैरह डाल के पीते हैं, ये करते हैं। अन्ना हजारे की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उनको कैसा डेंजर नहीं रहता, टुकटुकित रहते वो। मनोज जरांगे सीरियसली करते हैं मेरे ख्याल से। वो पानी भी नहीं पीते या पानी पी रहे अभी इस बार। तो सर पहली बात तो ये है कि ये उपोषण से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें उनके प्राण निकल जाएंगे, उनको कोई आघात होगा प्राणांतिक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। 6 बार वो छोड़ चुके हैं, 7वीं 6वीं बार चालू है, ये भी उपोषण उनका छूटेगा जी। इसके पहले 6 बार भी उनको आश्वासन मिले थे, आश्वासन के आधार पर ही उन्होंने उपोषण पीछे लिया। 1 महीने का 2 महीने का समय मांगा है। अभी विधानसभा चुनाव है तो शायद सरकार में उनके जो मित्र हैं वो उनको बोलेंगे कि भाई अभी एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी बात यह है कि 10% का हमने ऑलरेडी दिया है मराठा समाज को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, और तीसरी बात यह है कि अभी ये तुम्हारे आचार संहिता लगेगी जी, तो हम कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे और जब तक कोर्ट में मैटर है तब तक वैसे लेना भी गलत होगा, तो आप हमको मुदत दीजिए, लोग विधानसभा चुनाव के बाद हम ये करेंगे। उसके ऊपर वो बोलेंगे कि फिर विधानसभा चुनाव में के पहले अगर आप निर्णय नहीं दे रहे हैं हमको तो हम हमारे उम्मीदवार खड़े करेंगे, मगर उसकी संभावना अभी कम हो गई है। वो जो बोल रहे थे कि 250 खड़े करेंगे, 200 खड़े करेंगे या 288, तो अभी मेरी खबर यह है कि वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। वो खाली क्योंकि सर 288 लोगों को खड़े करना और उसमें से 8 भी चुन के आना, ये भी बड़ी बात है जी। तो अगर ऐसा हो गया कि 228 की जगह खड़ा किया और उसमें से 8 भी बड़े मुश्किल से आए या आए नहीं, हाँ, तो फिर इज्जत ही चली जाएगी। लेकिन सर कि भाई आप उपद्रव कर सकते हैं, लोगों को गिरा सकते हैं। ये शरद पवार की भी रिपुटेशन है कि वो गिरा सकते हैं, चुनके ला नहीं सकते जी। मगर तो वो नहीं करेंगे, वो 288 लोगों को वगैरह खड़ा नहीं करेंगे। दूसरी एक बात ये है कि ये उपोषण अभी कभी भी वापिस हो सकता है। अच्छा। तीसरी बात यह है कि ओबीसी के कोटे से उनको आरक्षण चाहिए, क्योंकि उनको दिख रहा है साफ साफ कि मराठा अलग आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ओबीसी समाज भी अभी जागरूक हो गया, आंदोलन के पवित्र में है, तो ओबीसी से देना नामुमकिन है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा जो है वो उन्होंने फंडिस के ऊपर केंद्रित करके रखा है और शिंदे के ऊपर नहीं रखा है। और वैसे वो शरद पवार और महाअघाड़ी वगैरह को ज़्यादा ये नहीं करते हैं, फटकारते नहीं है जितना महायुति को भी नहीं, वैसे तो अकेले बीजेपी के और फडणवीस को ही फटकारते हैं। तो शायद वो हो सकता है कि भाई अपने लोगों को बोलेंगे कि जो जो विरोध करता है मराठा आरक्षण ओबीसी थ्रू जी, उनको गिराओ और हर एक कैंडिडेट से शपथ पत्र लो कि ओबीसी कोटे से मैं सपोर्ट करूँगा, जो सब ये देंगे नहीं उनको ये करो। तो शपथ पत्र देने को क्या होता है, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर ले लिया और उसके ऊपर लिख दिया कि भाई मैं ओबीसी कोटे से भी समर्थन करता हूँ जी, तो दे देंगे सभी पार्टी के उम्मीदवार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विधानसभा में मनोज जरांगे का असर दिखेगा क्या, तो दिखेगा।
मराठा, मगर उम्मीदवार ही मराठा है। नहीं, किस पर दिखेगा? भाजपा पे दिखेगा, भाजपा शिंदे साहब के ऊपर नहीं दिखेगा, अजीत दादा पे दिखेगा, क्योंकि भुजबल अजीत दादा के साथ है, तो अजीत दादा को वोट जरांगे को जो चाहते हैं या समर्थक है उनको नहीं मिलेंगे। पर एक स्ट्रैटेजी ऐसी भी महाआघाड़ी और महायुति करेंगे कि मराठा के खिलाफ मराठा ही खड़े करेंगे। जो ओपन सीट्स हैं उसमें जहाँ पे ओबीसी मेजॉरिटी में है वहाँ दोनों का ओबीसी उम्मीदवार रहेगा, जहाँ पे मराठा है इन्फ्लुएंशियल वहाँ पे दोनों मराठा होंगे। तो मनोज जरांगे के सामने प्रॉब्लम ये होगा कि ये मराठा को महायुति के मराठा को टिकट ये देना है, वोट देना है कि महाआघाड़ी के, तो उसमें वो अगर भाजपा का है तो वो बोलेंगे कि नहीं फिर महाआघाड़ी को दे, पर शिंदे साहब का है तो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम्हारे कॉन्शियस पे छोड़ देता हूँ। ऐसा क्यों? लेकिन शिंदे साहब के हाय ना, शिंदे के खिलाफ नहीं है और फडणवीस के खिलाफ है। उनको लगता है कि फडणवीस ने कालाकांडी करके और लाठीमार करवाया, उनको लगता है कि फडणवीस लाठीमार करवाया, ठीक है लाठीमार अगर नहीं करवाते तो आज जरांगे का नाम होता क्या, बताइए मुझे, वो भी समझना चाहिए उनको। कहीं ना कहीं लाठी मार करके उन्होंने तो जरांगे को आज मराठा समाज का चेहरा बना दिया है, इसे तो मानना ही पड़ेगा किसी को, जरांगे को ही मानना पड़ेगा। और एक रहस्य ऐसा है कि फडणवीस ने ये गलती की कि पहले माफी मांगी जी लाठीमार के लिए, बाद में बोले कि नहीं पुलिस को इतना मार पड़ रहा था कि लाठीमार के सिवाय इलाज कितने पुलिस वाले घायल, वो कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। और उससे बड़ी बात है कि मैं 100% जानता हूँ कि लाठीमार का आदेश उन्होंने नहीं दिया था जी, कभी नहीं दिया। वो तो डीसीपी अपने लेवल कर सकता है सर। नहीं सर, ये मंत्रालय से आया, ये सच है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर वो फडणवीस से नहीं, नहीं सर, अभी भिवंडी में भी लाठीमार हुआ करने के प्रति डीसीपी को तो क्या उसमें वो मंत्रालय से हटा रहता है? नहीं सर, एसपी और डीसीपी और जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो अपने लेवल पर लाठीचार्ज लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए डिसीजन ले सकता है सर, कोई जरूरत नहीं है कि वो मंत्रालय से फोन आए तो ही होगा। नहीं नहीं, वो फोन जो आया था जी जरांगे के मामले में वो मंत्रालय से आया था, तभी किया, नहीं तो पुलिस सर मार खा रही थी, भाग जा रही थी जी, पुलिस ने प्रतिकार कर रही थी। जब मंत्रालय से आया वो लाठी मार्च करो तभी आया, तभी किया, तो मंत्रालय भी ऑर्डर तभी दिया रहेगा जब पुलिस के ऊपर हमला हुआ। ठीक है, वो चर्चा तो, की बात पुलिस है तो मगर उसका परिणाम हुआ और जरांगे बड़ा हुआ, ये भी सच है उसमें नहीं, मगर जरांगे का उपोषण भी कभी भी खत्म हो जाएगा जी, ज्यादा चलेगा नहीं। नहीं, उपोषण तो लोकसभा के पहले भी खत्म हो गई थी, लेकिन उसका असर लोकसभा में देखने को मिला ना, ऐसा इधर भी दिखेगा। वही है विषय, यही है कि क्या सर, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए जी, वैसे अगर जरांगे मराठाओं को ये कर रहा है तो ओबीसी को एकजुट होना चाहिए, दूसरी जातियों को एकजुट होना चाहिए, वो कहाँ हो रहा है? ओबीसी में भी फूट पड़ गई है, मराठा में भी फूट है, फूट है, ऐसा नहीं कि सभी, पहले मराठा जरांगा था, जरांगे था, कई फूट है, हाँ तो ये हो रहा है जी सर। मगर जरांगे का उपोषण एक आज तारीख के लिए 20-21 है ना कुछ, आज 20 है सर, ये मंथन के पहले खत्म हो जाए, यानी पितृपक्ष के पहले खत्म हो जाए, पितृपक्ष संपन्न से पहले ये खत्म हो जाए, और कोई मांग ऐसी ओबीसी के थ्रू वगैरह मान्य नहीं होगी। इसी मुद्दे पर रहेगा कि हम कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दखल देंगे, लड़ेंगे, और ज्यादा चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी मराठा आरक्षण की, क्या लगता है? उसके बाद तो कोई चुनाव रहेगा नहीं, लोकसभा खत्म हो गया, विधानसभा खत्म हो जाएगा, मराठा आरक्षण कोर्ट के हाथ में, इनके हाथ में कहाँ है ही नहीं। हम लोग खाली पे ये बोलते हैं कि सरकार को करना चाहिए, जाके कोर्ट के सामने बैठो ना उपोषण के, फिर सर कोर्ट से बाहर उपोषण तो कोर्ट तो अंदर डाल देगा, तो करो ना फाइट करो कोर्ट से ना, फिर कैसे करेंगे? सरकार के खिलाफ होते हैं सर, सरकार के खिलाफ क्यों फाइट कर रहे हैं सर? कोर्ट के तो 90% डिसीजन के खिलाफ उपोषण किया जा सकता है, कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए ना, सीधा ऑर्डर देना, कोर्ट बोल रहा है ना आप इसके ऊपर आप उपोषण कर ही नहीं सकते, ऐसा ऑर्डर देना, ऐसा कैसा देंगे वो भाई, लोकशाही इधर तो अधिकार लोकशाही है, तो फिर लोकशाही में आप निदर्शन नहीं करेंगे? मराठा समाज को जिस तरह से सरकार के खिलाफ एकदम एकजुट बन के बैठे हैं, उसे कोर्ट में भी इनको डालना चाहिए, हलफनामा वगैरह सब कुछ करना चाहिए, किया है उन्होंने, उनके लिए वकील लड़ रहे हैं ना, सरकार के वकील जरांगे की साइड लेके लड़ रहे हैं, आप क्या बात करें कि जरांगे के वकील, ये सरकार भी मराठा आरक्षण के लिए प्रयत्नशील है, शिंदे साहब प्रयत्नशील है, बड़े बड़े वकील दिए हैं, नहीं शिंदे साहब प्रयत्नशील है, उन्होंने करके भी दिया 10%, क्या करेंगे उनको, माने नहीं ना 10% जो दिया है शिंदे साहब ने, हाँ नहीं वो बोलते हैं हमको 10% अलग से नहीं चाहिए, हमको ओबीसी से चाहिए, क्यों ओबीसी से उसी समय पॉसिबल है, उसी समय जरांगे सर जरांगे को अड़के बैठना चाहिए था कि आप जो दे रहे हो वो सही नहीं है, हमारे हिसाब से देंगे तब हम पूछे हटेंगे, उन्होंने तो दिवाली मनाया वो टाइम पे कि सब हमारा हम जीत गए, हमारा आरक्षण पास हो गया सर, 10% में खुश हो गए, उस समय उनकी भी समझ भी नहीं आया, ये गलत है ना सर, सर गलत कैसे है, वो छोटा समझ में नहीं आ रहा, इतना बुद्धिमान वो क्या शरद पवार है क्या,
ओके फडणवीस से क्या साथ में लोग तो समझदार लोग हैं ना सर, मराठा समाज कितने समझदार है, उनके साथ में लोग जो है उनके जो साथ में लोग है वो उन्हीं के लेवल के एडवोकेट है, उनके साथ में वो बताना चाहिए ना सर। नहीं ना सर, उनके साथ उनके लेवल के आदमी है, उनको ये डाउपेज समझ में नहीं आया पॉलिटिकल, वो 10% पे खुश हो गए, बाद में उनको समझ में आया 10% का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब शिंदे साहब ने गेम किया, पॉलिटिकल गेम किया, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की। आप अगर दुश्मन है उनके तो बोलेंगे गेम किया और उनके दोस्त है तो बोलेंगे स्ट्रेटेजी की, है कि नहीं? वही होता है, गेम और स्ट्रेटेजी अलग नहीं होती है। दुश्मन बोलते हैं गेम है, ये बोलते हैं स्ट्रेटेजी है। उन्होंने उस समय वो शांत किया, वो भी जरूरी था, नहीं तो उसमें से हिंसाचार हो जाता था। खैर देखते हैं, अभी फडणवीस के खिलाफ अगर जरा की है तो हो सकता है सरकार अगर बदल जाती है तो क्या महागाड़ी इनको जो है आरक्षण देती है। शरद पवार इतने 4 बार मुख्यमंत्री बने, वो तो नहीं दिए, कभी दिए सोचा ही नहीं। महागाड़ी भी सरकार 2.5 साल थी, ये तो उनको समझना चाहिए, उस समय भी ये चल रहा था, ये मराठा समाज समझना चाहिए, मराठा समाज को समझना चाहिए। समझते हैं, सब समझते हैं, पर कुछ इशू समाज को एकजुट करने के लिए आवश्यक होते हैं। अभी हम पिछले 60 साल से सीमा प्रश्न के ऊपर लड़ रहे हैं, बेळगाव, कारवार, निपाणी, धारवाड़, यह महाराष्ट्र में आना चाहिए, 60 साल हो गए सर, हम लड़ते हैं कि नहीं, हर साल आंदोलन करते हैं कि नहीं, हर साल काला दिन मनाते हैं कि नहीं, 1 नवंबर मनाते हैं ना, 60 साल हो गए सर, 3 पीढ़ियां बदल गई उधर की जनरेशन, मराठी पॉपुलेशन और इसका प्रमाण भी बदल ले हो गया। वहां पे तो उपराजधानी कर दी बेळगाव में, बेळगावी बोलते हैं अभी उसको, फिर भी हम लड़ रहे हैं। वो कुछ विषय ना, वो मराठी आदमियों को साथ रखने के लिए सीमा पार्टी पे जरूरी होता, जिंदा रखने के लिए जिंदा रखना चाहिए। खैर देखते हैं कौन जिंदा रहता है। नहीं, जिंदा तो रहेंगे सब रहेंगे सर, इशू भी रहते हैं, आरक्षण इशू आएगा, मंडल से चल रहा है, मंडल को कमंडल का भी उन्होंने ये दिया था, शह दिया था आडवाणी ने, तो ये चलता रहेगा। कुछ इशू है वो नहीं होते हैं। अभी देखो ना, बांग्लादेश में आरक्षण का इशू भड़क गया, सत्ता पलट हो गए, हसीना हल गई, अभी पूरी शांतता है। हम तो बांग्लादेश के साथ अभी मैच भी खेल रहे हैं, यहाँ तक हो गए जी, मतलब कोई दुश्मनी नहीं रही अभी, तो चलते रहते सर। तो मनोज दरंगे का ऑपरेशन पीछे होगा, उनके प्राणों पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, इतना पक्का है। आश्वासन मिलेगा उनको, आश्वासन के आधार पर उनको लेना चाहिए। अभी वो भी प्रैक्टिकल हो गए, 6 बार उन्होंने विड्रॉ किया, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल है अभी कि भाई जो होने वाला नहीं है उनको मारू मैं मारू, जिसके लिए लड़ना उनके नेतृत्व भी रखने के लिए जरूरी है, वो करेंगे। और सक्सेस तो कोर्ट के हाथ में, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। कल अगर मोदी ने भी किया 75 रखे तो जो बाकी है जिनको रिएक्शन नहीं मिल रहा है वो कोर्ट में जाके स्टे लेने वाले सर। कौन सा जज ऐसा होगा कि जो बोला 75% लोगों को दे दो, ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो बोलेगा भाई 50% दिया यही ज्यादा है, ठीक है चलो 50%, वो 10% आर्थिक आरक्षण, 60% दिया, अभी बाकी लोगों को क्या नौकरी नहीं देनी है क्या, ऐसा पूछेंगे। कोई कोर्ट आरक्षण मान्य नहीं करेगा 50% के आगे, भले मोदी ने कल अगर 70% कर भी दिया जी, तो वो कोर्ट रिफ्यूज करेगा, ये कह रहा है। मगर आंदोलन चलना चाहिए, जागृति रहनी चाहिए, संगठन रहना चाहिए, और मनोज दरंगे जैसे उपद्रवी भी होने चाहिए समाज में, नहीं तो सबको फाटे पे मार के सरकार कोई भी कुछ भी आगे चलती है जी सर। बस तो यह आरक्षण का मामला सुलझेगा नहीं, मगर क्वेश्चन खत्म हुआ जी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मराठा आरक्षण के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और आपके इलाके में भी समाज के लोग, बहुत से लोग होंगे और हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 50% तो महाराष्ट्र में मराठा समाज 30% तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। क्या लगता है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, तो लिखिए, देखते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।